बढ़ते आगे और अब बात अग्निवीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीर की जो सीधे करगिल से विपक्ष की तरफ छोड़ा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता युवाओं को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वन रैंक वन पेंशन से लेकर सेना से जुड़े तमाम मुद्दों पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। वहीं शाम होते होते उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। अब यूपी में अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी भर्ती में आरक्षण मिलेगा। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का फैसला किया है। मौका करगिल विजय दिवस का था। पीएम मोदी लद्दाख के द्रास सेक्टर पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, पीएम मोदी मन बना चुके थे कि निशाना कहां कहां लगाना है। शुरुआत पाकिस्तान से हुई। भारत माता की आवाज पहाड़ी के उस पार सुनाई देनी चाहिए। भारत माता की। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। प्रधानमंत्री का संबोधन 30 मिनट से ज्यादा का रहा। कुछ देर तक सेना के पराक्रम की गाथा सुनाई, नाम लेकर पाकिस्तान को आतंकवाद के कटघरे में खड़ा किया, जम्मू कश्मीर के विकास की बात कही और आखिर में सीधे उस मुद्दे पर आ गए जिस पर बीते कुछ वक्त से विपक्ष हमलावर है। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया। अग्निपथ योजना जब से शुरू हुई है तभी से विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस ने तो लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में इस योजना को खत्म करने की बात लिख दी। आज पीएम मोदी ने इस योजना से जुड़े विपक्ष के कई सवालों का जवाब भी दिया। मैं तो हैरान हूँ कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई, उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आई, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? अग्निपथ योजना का जिक्र पीएम मोदी ने लद्दाख के द्रास से किया और सियासत दिल्ली में सुलग उठी। कम से कम कारगिल दिवस पे ये सब पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। क्या जानते हैं सेना के बारे में? कभी सेना का ड्यूटी करे? बैठ के एसी रूम में फैसला करके कोई स्पीच लिख के दिया, हम बोल दिए, गलत बात। साफ है पीएम मोदी के तर्कों के बाद भी कांग्रेस को इस योजना में 72 छेद नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने अपनी बात तो रख दी, लेकिन जब इस पर सियासत का नया पन्ना खुला तो जवाब में कोई अपने परिवार को ले आया तो कोई पड़ोसी को। अग्निवीर में आज हमारी बिटिया भी फौज की तैयारी कर रही है, तो आप ये सोचिए इस तरह से कितनों बच्चों का ये लोग मनोबल तोड़ रहे हैं, एक भरोसा तोड़ रहे हैं। कारगिल में मेरे गाँव का भी शहीद हुआ है, हम आज भी उसको याद करते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी कैसे? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।